Hello dear children, how are you all? Fine? Okay. So my dear students, you must have bought all your English books, right? And the name of your book is Rainbow, Class 8, right? And this is a very beautiful book. Na, ye book bahut hi अच्छी सी बुक है आपके पास एंड देर आर सो मेनी चैप्टर्स इन दिस बुक एंड टुडे वी विल रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अनदर चांस. ओके, सो इट इज अ पोयम एंड द पोयम इज रिटन बाय हेलेन स्टेनर राइस. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कोई काम जब स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू वर्क और कुछ भी अगर कुछ करने जाते हैं, तो समटाइम्स वी मीट फेलियर्स. हमें कामयाबी नहीं मिलती है, हम लोग फेलियर्स हमारे हिस्से में आते हैं और वी डोंट गेट सक्सेस. हमें हम जो चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं, है ना? ऐसा बहुत बार होता है. तो ये जो पोयम है, हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, पोएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर आपको पहली बार में फेलियर मिल रहा है और आपको अगर फेलियर अगेन एंड अगेन मिल रहा है, तो कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू होप एंड न्यू एक्साइटमेंट. फेलियर्स तो जीवन का एक हिस्सा ही है, हमेशा थोड़ी ना सक्सेस हमको मिलता है. हर कोई काम में फेलियर्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इन सब प्रॉब्लम से उभरने के लिए क्या करना होगा? हमारा टारगेट हमने फिक्स किया है, मुझे वो काम करना है, बट अगर प्रॉब्लम आई तो हमें थोड़े ना वो काम छोड़ देना चाहिए. नहीं, हमें हमेशा उस काम को एक नए तरीके से एक नई शुरुआत देनी चाहिए. लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी एंड इस टाइम मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है उस काम को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो वो चीजों के ऊपर नजर देना चाहिए. वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वेयर द ऑब्स्टेकल्स, क्या गलती हुई थी मुझसे, व्हाट वर द मिस्टेक्स. एंड ये नहीं कि वी शुड लीव दैट टास्क, नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है अब मुझे नहीं करना है. नो, होपलेस होके ऐसे नहीं छोड़ना है, बट वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम क्यों हुई एंड उसको इरेडिकेट करना चाहिए, उसको दूर करने का सोचना चाहिए, है ना? तो ये पोएम इसी के बारे में है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी होपलेस ना हो, कभी डिस्पेयर फील ना करें. ओके, तो दिस लेट अस रीड द पोएम. ओके, यू लिसन केयरफुली, एंजॉय द पोएम एंड देन आई विल टेल यू द समरी. ओके, सो द पोएम गोज लाइक दिस. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It doesn't take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. To live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through. For there's always a tomorrow and a hope of starting anew. So now मैं आपको poem की summary बताती हूँ. How often मैंने कब हम लोग wish for another chance, कभी कभी हम एक second chance के लिए wish करते हैं, to make a fresh beginning, एक नई शुरुआत के लिए हम चाहते हैं कि हमें एक नई, कब हम सोचते हैं ऐसा, when we think of, how often, कितनी बार हम सोचते हैं कि नहीं चलो मुझसे ये पहली बार गलती हो गई तो चलो मैं दूसरी बार ये काम स्टार्ट करती हूँ एक नए तरीके से, वरना करता हूँ एक नए तरीके से. A chance to blot out our mistakes, अपनी गलतियों को सुधारने का, and change failure into winning, अपनी नाकामयाबी को, अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए कब हम दूसरा चांस लेते हैं? मोस्ट ऑफ अस हम रिजेक्ट ही कर देते हैं उस काम को, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. इट डजंट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट.
कोई मतलब शुभ मुहूर्त का वेट नहीं करना चाहिए. वी डोंट नीड अ सेकंड डे. हमें जब हमारा माइंड सेट होता है, जब व्हेन वी आर डिटरमाइंड वी शुड स्टार्ट द न्यू वर्क विद अ न्यू स्पिरिट. ओके, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर. क्योंकि हर एक काम को फुलफिल करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने अंदर, एक डिजायर होना चाहिए, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा डिजायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो एंड जो भी काम हम करें होल हार्टेडली करें, विथ ऑल आवर हार्ट, पूरा दिल लगाकर, मन लगाकर अगर हम काम को करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस. इसे लिखा है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट. दिल लगा के अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है. वी कैन अकम्प्लिश दैट वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम और सक्सेसफुली. टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग. एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक हमेशा क्षमाशील हमको होना चाहिए. मतलब कोई गलती हुई है तो अपने आप को भी एक्सक्यूज कर देना चाहिए, ठीक है मुझसे ये गलती हो गई, नाउ आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग. ओके, तो ऑलवेज बी फॉरगिविंग, अपने आप को भी एक्सक्यूज करना चाहिए. गलती अगर दूसरे से हुई है तो उसको भी एक्सक्यूज कर देना चाहिए. यही तो महानता होती है ना, दैट इज आवर ग्रेटनेस, हाउ फॉरगिविंग वी आर. लोग तो फॉरगिव करना भी मतलब उनकी शान के खिलाफ हो जाती है ना. तो ऑलवेज हम लोग कितनी गलतियां करते हैं, है ना. भगवान हमको ऑलवेज फॉरगिव करते हैं कि नहीं, एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं, माफ कर देते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना. क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हमेशा हमें भी हर चीज को, अपनी गलतियों को फॉरगिव कर देना चाहिए. एंड वी हैव, अगर हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्षमाशील होना चाहिए. एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, हम हमारे जीवन को आलोकित करने के लिए, एक लाइट देने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए. सनशाइन को क्यों यहाँ, टू गिव अ सनशाइन, सनशाइन मीन्स लाइफ में उजाला लाने के लिए. तो क्या करना चाहिए, तो टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू अपनी लाइफ में ये सनशाइन ऐड करने के लिए, उजालापन लाने के लिए हमको सेकेंड चांस, तो वी डिजर्व डेफिनेटली अ सेकेंड मूव और अ सेकेंड चांस. सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर. पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्पेयर, डिस्पेयर माने होपलेसनेस, बा निराशावादी नहीं होना चाहिए हमें. हमें होपलेस होके गिव अप नहीं करना चाहिए कोई भी काम, मतलब हाथ से नहीं निकल छोड़ना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना, नो आई हैव टू डू दिस. तो एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचना चाहिए कि यस मुझे इस काम से आगे निकलना, इस कमी को अपनी पूरा करना है, एंड सक्सेस तो मेरे हाथ में आना ही चाहिए, ये डिटर्मिनेशन हमें होना ही चाहिए. एंड फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि कल सबकी लाइफ में जरूर आता है. एंड कल का सूरज, कल का दिन आपके लिए सक्सेस नहीं लाएगा, ये कौन बोल सकता है. हो सकता है आप जो न्यू बिगनिंग कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या आपको ऊंचाइयों तक, सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, है ना. तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप हार नहीं जाना चाहिए, दिल से कभी हारना नहीं चाहिए, मन को हमेशा स्ट्रांग बनाओ. चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जितनी मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस तो होंगी ही. इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, इफ देयर आर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन तो है ही, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही. तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वे विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स, गार्डियंस, पेरेंट्स, या जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, हमको हमेशा उसका रास्ता ढूंढना चाहिए. कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, कभी भी थक नहीं जाना चाहिए अपनी लाइफ से या अपनी प्रॉब्लम से. तो एंड वैसे भी कहा है भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना. तो हमें मदद करनी चाहिए, अपने लाइफ में एक एम, एक ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए. हमें जो भी नया काम हम शुरू करते हैं उसको खत्म करने तक जी जान लगा देना चाहिए. सो दिस वाज अ वेरी मोटिवेटिंग पोयम, वेरी इंस्पायरिंग पोयम बाय हेलेन स्टेनर राइस. ओके, होप यू ऑल लाइक दिस पोयम. रीड द पोयम अगेन एंड अगेन. एंड देर आर सम एक्टिविटीज इन योर बुक. द फर्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट प्रोनंसिएशन. And I think I have read the poem with proper pronunciation. मैंने जो poem पढ़ा है, आप उस poem को सुनिए बार बार, कैसे words को pronounce करते हैं. Read it again and again. फिर आपकी pronunciation भी बिल्कुल appropriate हो जाएगी. Okay?
एंड कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके. व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हम क्यों अनदर चांस का विश करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि सो दैट वी मेक अ फ्रेश बिगनिंग, वी मेक अ न्यू स्टार्ट. फॉर अ न्यू स्टार्ट वी विश फॉर अनदर चांस. ओके, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक डीप डिजायर. वी नीड अ डीप डिजायर, अ डीप डिटर्मिनेशन टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. वी नीड अ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क. ओके, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? व्हाई शुड वी नेवर गिव अप? कभी गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? क्यों नहीं करना चाहिए? Because there is always a hope, there is always a better tomorrow waiting for you. Because there is success is always waiting for you. Okay, if you will work hard, then success will definitely come to you. So that's why we should never give up in despair. We should always live hopefully. Hopelessness nahi hona hai, hopefully jeena hai. Achha. What lesson do we learn from this poem? क्या लेसन मिलती है हर एक पोयम, जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जो भी पोयम पढ़ें, उसका एक मोटो होता है, एक मोरल होती है, एक लेसन हम सीखते हैं, कुछ शिक्षा देती है हमें. इससे क्या सीखना है? क्या सीखा आप लोगों ने? What was the moral of this poem? पोएट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? Yes, we should never give up. We should always work hard. We should always try again and again and again for our success. Okay, so this was the main moral of this poem. There are some antonyms words hai, jaise ki success. Success ka antonym kya hai? Yes, failure. Old, new, shallow, deep, never, always, end, begin or start, despair, hope or joy. Despair का मतलब hopelessness, निराशावादी. उसका opposite hope, आशावादी. Enjoy this poem, read the poem again and again, and try to do all the activities with the help of your teachers. And if you have any problem, drop a comment in my comment box. Okay, like it, share it, subscribe my channel. Thank you.